नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। एमडीके स्कूल में स्थित अस्थायी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज कार्रवाई की गई, जिसमें सब्जी मंडी के आढ़तियों और विक्रेताओं में रोष फैल गया। गुस्साए आढ़तियों ने रानिया रोड पर सब्जी को बिखेर दिया और जाम लगा दिया। सब्जी आढ़ती और विक्रेताओं ने धरना देकर बैठ गए और सूचना मिलने के बाद हरियाणा लोक हित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा, मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया व शहर थाना प्रभारी सुखवीर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित सब्जी आढ़तियों को शांत करवाया और करीबन एक घंटे से किया जा रहा प्रदर्शन गोविंद कांडा व अन्य अधिकारियों की समझाइश पर खत्म कर दिया गया। बाद में SDM जयवीर यादव ने प्रशासन की ओर से आढ़तियों के साथ समझौता वार्ता शुरू की और गोविंद कांडा की मध्यस्थता से आढ़तियों ने और प्रशासन के बीच में पास बनाने की तथा उनकी संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी। अब पासों की संख्या लगभग 500 कर दी जाएगी। वहीं विक्रेताओं को एक एक घंटा सब्जी खरीदने के लिए दिया जाएगा। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गंगाराम बजाज ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी सब्जी बिक नहीं पा रही है, इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया था। प्रशासन ने पास बनाने की व्यवस्था दुरुस्त की है। गोविंद कांडा ने बताया कि MDK स्कूल विधायक गोपाल कांडा ने जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये सौंपा था। सब्जी विक्रेताओं के पास व्यवस्था को लेकर के रोष है और इसी को लेकर के प्रदर्शन किया था। अब प्रशासन व आढ़तियों में समझौता करवाया गया है। SDM जयवीर यादव ने बताया उन्हें प्रदर्शन की सूचना मिली थी और वैश्विक महामारी में सभी का सहयोग करना चाहिए, बातचीत से समस्या का समाधान होता है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आढ़तियों के आग्रह पर विक्रेताओं के लिए पास की संख्या बढ़ाकर के 500 कर दी गई थी और इसी के हिसाब से एक एक घंटे के हिसाब से खरीदारी का समय भी दिया गया है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। आज उन्होंने एक नया रूल और कर दिया, 150 पास वाले आ जाएंगे, तो पहले 200 पास थे उनके 4 दिन के लिए बंद है, ये 4 दिन ये आएंगे, 3 दिन वो आएंगे। यहाँ पर क्या काम हम तो आने में कोई दबाव नहीं थी, एक पास खत्म हो जाए इसके बिना सब समस्या हल हो जाएगी। और आने में पास नहीं है ये मंडी में, किसी जगह नहीं पास। प्रशासन से बात करेंगे, एक तो जो ये काम है ये काम करो तुम बंद, ठीक है, ठीक है ना, ये काम तो करो बंद। प्रशासन से बात हो जाएगी, प्रशासन से बात बैठ के बात हो जाएगी, तरीके से काम हो जाएगा, तरीके से काम करो। आपके लिए मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। आगे गोविंद कांडा जी भी आगे, उधर से सत्यवान जी आए, उन्होंने बोला जी हम SDM साहब को बुलाते हैं, हमने ये मांग रखी है, चलो भी इस तरह 500 आदमी डेली सौदा ले लें, 250 आदमी सुबह 4 से 6 बजे तक अंदर आ जाएंगे, हम बेल मारेंगे जब गेट बंद कर देंगे, उसकी बेल कर देंगे मंडी 4 से 6 अंदर मंडी खाली कर देंगे, वो जो 250 आदमी बाहर चले जाएंगे, 250 आदमी बाहर कुर्सी में बैठे होंगे बाहर, उनको अंदर बुला लेंगे। उसके बाद सलाह करके बताते हैं, हमारे को बुलाया है आप 5 आदमी आ जाओ, 5 आदमी मंडी के बुला रखे हैं, जिम्मेदार बाहर बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस इस तरह होगी जी, 250 आदमी जो बहुत बड़ी है, अंदर 250 बाढ़ेंगे, अंदर बेल लगा देंगे हम, जब हम बेल मारेंगे भी आदमी मंडी का टाइम खत्म हो गया, वो 250 आदमी बाहर चले जाएंगे, दोबारा आदमी अंदर आएंगे। हाँ देखो, जाम लगाना हल नहीं है, ये पहले बैठ के हमसे बातचीत करते कि इनकी और समस्याएं हैं, तो अगर जिन्होंने भी अगर ये जाम की स्थिति पैदा की है उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, पासेज हमने बढ़ाए हैं और व्यवस्था कल भी ठीक थी कि जो पासेज हमने इंक्रीज करे हैं तो उनको हमने अब टाइम स्लॉट में कर दिया है कि भाई 4 से 5 हम 100 भेजेंगे, 5 से 6 हम और 100 भेजेंगे, तो इससे अंदर भीड़ भी नहीं होगी और सोशल जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन रहेगा, स्पेस भी बढ़ाएगा। हाँ, स्पेस भी बढ़ाएगा। शहर वालों से यही अपील है कि भी जो सोशल डिस्टेंस है वो मंडी में कायम रहे ताकि जो COVID-19 है वो ना फैले। I don't know.